दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भारतीय इतिहास के बारे में मोटे मोटे तौर पे सारे इतिहास को कवर किया था। अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या है, इसमें हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल की मैं बात करूँ तो इसको दो भागों में बांटा गया है, एक है पाषाण युग और एक है धातु युग। दोस्तों, पाषाण युग में क्या है कि आदि मानव द्वारा पत्थरों के हथियारों को काम में लिया गया था, और धातु युग में आदि मानव के द्वारा धातुओं से बने हथियारों का प्रयोग किया गया था। इसमें यही अंतर है मोटा सा, बाकी हम अब देख लेते हैं डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले पढ़ेंगे हम पाषाण युग के बारे में। तो पाषाण युग को तीन भागों में बांटा गया है, पहला है पुरापाषाण, दूसरा है मध्य पाषाण और तीसरा है नवपाषाण। सबसे पहले मैं बात करूँ पुरापाषाण के बारे में, तो पुरापाषाण का समय है जो 40 लाख ईसा पूर्व से लेकर और 10,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। और इस टाइम पे जो आदि मानव थे, भोजन के रूप में कच्चा मांस और कंदमूल फल आदि खाते थे उस टाइम पे, और इनका निवास स्थान गुफा और शैलाश्रय रहते थे, और ये अपना जीवन एक जंगली जानवर की तरह व्यतीत करते थे, क्योंकि इस टाइम पे इनकी बौद्धिक विकास नहीं हुआ था बिल्कुल भी। और हथियार के रूप में ये मोटे मोटे अनगढ़े पत्थरों का उपयोग करते थे। लगभग आज से 1 लाख ईसा पूर्व क्वार्टज के पत्थर से इन्होंने आग का आविष्कार कर लिया था। दोस्तों, आग के आविष्कार की हम बात करें तो आग का आविष्कार आदि मानव के लिए काफ़ी उपयोगी कार्य साबित हुआ था। वो क्या करने लग गया था, अपने मांस को पहली बार तो पकाकर खाने लग गया, जिससे कि मांस का उनको कच्चे मांस की बजाय वो पका हुआ मांस ज़्यादा स्वादिष्ट लगने लग गया था, और उसके अंदर जो बीमारियाँ होती थी वो पकाने से ख़त्म हो जाती। दूसरी बात करूँ तो आग का हथियार के रूप में उपयोग करने लग गए थे, जंगली जानवर को आग के थ्रू डराने लग गए थे वो। तीसरा उपयोग था, वो रात्रि में उनको एक रोशनी का स्रोत मिल गया था आग, जिसके थ्रू वो रात में भी उजाला रख सकते थे। इसके स्रोत की मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश में भीमबेटिका में चित्रित गुफाएं मिली हुई हैं, जिसको मैंने लगाए हुआ है, आप देख सकते हो। आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। तो मध्य पाषाण काल का जो समय है वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर और 6,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। और इस काल में क्या है, आदि मानव ने शिकार के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी स्टार्ट कर दिया, उसने पशुपालन भी स्टार्ट कर दिए थे। आदि मानव द्वारा सबसे पहले कुत्ते को पाला गया था, ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले आदि मानव ने कुत्ते का पालन स्टार्ट कर दिया था। और इस काल में आदि मानव क्या किया, अपने औजार थे उनको थोड़ा छोटा बनाने लग गया। पत्थरों के जो औजार बनाता था, पहले अनगढ़े पत्थरों का उपयोग करता था, अब थोड़े गढ़ के थोड़ा अच्छा बनाने लग गया। इसके स्रोत की मैं बात करूँ तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में मिले हैं और बागौर राजस्थान में मिले हैं, उनकी कुछ फ़ोटो भी मैंने संलग्न किए, आप देख सकते हो। आगे देखते हैं नवपाषाण काल। दोस्तों, नवपाषाण काल में आदि मानव ने काफ़ी डेवलपमेंट किया है। इस काल का जो समय है वो जो 6,000 ईसा पूर्व से लेके और 2500 ईसा पूर्व तक माना गया है। इस काल में आदि मानव ने पशुपालन के साथ साथ खेती का कार्य भी स्टार्ट कर दिया, और खेती में गेहूं और चावल के जो साक्ष्य मेहरानगढ़ और बलूचिस्तान से मिले हैं। दोस्तों, इन्होंने क्या किया, अब खेती करने लग गया तब उसको स्थायी निवास भी चाहिए, तो उन्होंने स्थायी निवास बनाना स्टार्ट कर दिया। बर्तन आदि का उपयोग करने लग गया, मिट्टी के बर्तन बनाने लग गया था, मृत भांड। दोस्तों, कश्मीर में बुरजोम मिला है जो कि बाँस और मिट्टी के लेप से बना हुआ था। बुरजोम का मतलब है गर्त का निवास। दोस्तों, अब क्या करने लग गया, ये अपने हथियार थे उन हथियारों को भी ये काफ़ी अच्छा बनाने लग गया था, पॉलिशदार बढ़िया। और इसी काल में पहिए का आविष्कार भी माना जाता है। दोस्तों, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है, और पहिए के आविष्कार को पहला वैज्ञानिक आविष्कार भी माना जाता है। ये एक क्रांतिकारी आविष्कार था। अब पहिए का आविष्कार के बाद में उसको काफ़ी फायदे हो गए, परिवहन करने में आसानी हो गई। अब पढ़ते हैं हम धातु युग के बारे में। तो हमने पाषाण युग पढ़ लिया। पाषाण युग के तीन पार्ट थे, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, ये तीनों पढ़ लिए हमने। अब धातु युग आ गई। धातु युग के भी तीन ही पार्ट हैं, एक है ताम्र युग, एक है कांस्य युग और एक है लोह युग। तो ताम्र युग की हम बात करें तो ताम्र युग में क्या है, आदि मानव अब तांबे से बने हथियारों का उपयोग करने लग गया। कहने का मतलब वो अपने जीवन में तांबे का भी उपयोग करने लग गया था, और आदि मानव द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली सबसे पहली धातु भी तांबे को ही माना जाता है। और आप देख सकते हैं इन हथियारों में तांबे का उपयोग किया हुआ है, पत्थर के साथ साथ ये तांबे का भी उपयोग है। अब बात करते हैं हम कांस्य युग के बारे में। तो मानव ने क्या किया, तांबे और टिन को मिलाकर कांसे का निर्माण कर लिया,
जो कांसा होता है वो तांबे की अपेक्षाकृत ज़्यादा मजबूत होता है। तो अब वो अपने हथियारों में कांसे का निर्माण करने लग गया, कांसे को उपयोग लेने लग गया हथियार बनाने के लिए। और ऐसा माना जाता है कि भारत में जो आदि मानव थे उन्होंने सबसे पहले कांस्य धातु का उपयोग किया हुआ था। और आप देख सकते हैं इस फोटो में जो भी हथियार हैं उस टाइम के वो सभी कांस्य धातु के बने हुए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं लोहयुग के बारे में। तो लोहयुग की शुरुआत है जो 1400 ईसा पूर्व मानी जाती है। लोहयुग में अब मनुष्य जो अपने हथियार वस्तु आदि सभी लोहे से बनाने लग गया, लोहा काफ़ी मजबूत होता है तो अब उसका उपयोग करने लग गया मानव। तो उस टाइम पे लोहे के प्रमुख स्रोत की मैं बात करूँ तो अई छत्रपुर, अतरंजी खेड़ा, एरण, मालवा, ये उस टाइम पे लोहे के प्रमुख स्रोत थे। और लोहे के उस टाइम पे जो औजार थे उनकी मैंने फ़ोटो लगाई हुई है, आप देख सकते हो उस टाइम पे लोहे के कैसे औजार हुआ करते थे। तो दोस्तों कैसे लगे मेरी ये वीडियो, अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आदि ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कि प्रमुख रूप से सिंधु घाटी सभ्यता है और वैदिक सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर भी कर दीजिएगा और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।